ओम शांति। 12 मई 2024 का वरदान। ऊंचा बाप ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान बन, बाप समान भव। हम सभी आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, वो सर्वशक्तिवान है, हाईएस्ट ऑन हाई। उसकी शक्तियां हमें प्राप्त हुई हैं। अगर हम इस संकल्प में रहेंगे, इस स्मृति में रहेंगे कि हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, तो हम बहुत शक्तिशाली होते जाएंगे। जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर होता है, उसे स्मृति रखनी नहीं पड़ती, हमें रखनी है, क्योंकि हम भूल गए हैं अपनी शक्तियों को। तो जैसी श्रेष्ठ स्मृति हमारे अंदर होगी, वैसे ही हम बनते जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरह अपने को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि शक्तिशाली होने की हमें बहुत आवश्यकता है। संसार का हाल बिगड़ता जा रहा है, माया भी प्रबल होती जा रही है, उसको जीतने के लिए हमें बहुत शक्तिशाली होना होता है। दूसरी स्मृति, हम भी बहुत ऊंचे हैं, महान हैं। अगर हमें ये भी स्मृति रहेगी, हम बहुत महान हैं, हाईएस्ट बाप के हाईएस्ट बच्चे हैं, होलीएस्ट हैं, तो हम भी अपने कार्यों पर बहुत ध्यान देंगे। हमारे संकल्प भी महान, हमारे बोल भी महान, हमारी भावनाएं भी महान, हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण भी महान, कर्म भी महान, व्यवहार भी हमारी महानता की झलक छोड़े, हमें ये याद रहेगा। तो अगर हम ये स्मृति रखेंगे कि हम हाईएस्ट हैं, अपनी भी याद रहेगी और अपने परमपिता की भी याद रहेगी, तो हमारा सब कुछ श्रेष्ठ होता जाएगा। जैसे दुनिया में किसी बड़े आदमी का कोई बच्चा हो, आज की बात छोड़ें, आजकल तो बड़ों के लोग, बड़े लोगों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन जो रॉयल होते हैं उनके बच्चों में भी वो रॉयल्टी दिखाई देती है। उनके बोल से भी उनके माँ बाप की छवि झलकने लगती है। हम भी इसी स्मृति के द्वारा अपने इन सब चीज़ों को महान बनाएं, क्योंकि हम इस सृष्टि के फाउंडेशन हैं, मास्टर बीज हैं, कल्पवृक्ष की जड़ों में हैं। हमारी स्थिति का प्रभाव पूरी सृष्टि पर जाता है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। बहुत जिम्मेदार हैं हम। जैसी हमारी स्थिति होती है, जैसे हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, उसका इफेक्ट करोड़ों करोड़ों आत्माओं तक पहुंचता है। इसलिए जितने महान हम बनेंगे, हमसे जुड़ी हुई करोड़ों करोड़ों आत्माएं उतनी ही महान बन जाएंगी। जितने संकल्प हमारे महान होंगे, सब आत्माएं महान बनने का सोचेंगी। विशेषकर कर्मों पे बहुत ध्यान देना है। हमारे पुण्य कर्म, हमारी प्योरिटी अनेकों को निष्पाप करेगी, पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देगी। क्योंकि समय ऐसा आ गया है, कहने से किसी को बदला जा सके ये बहुत कठिन काम होता है, लेकिन वाइब्रेशन से और जो हमारे समीप वाले लोग हैं, वो हमें देखकर अपने को बदलेंगे। हमारा ये परम कर्तव्य है, हम संसार में ऐसी लहर फैलाएं ताकि लोग अपने सत्य स्वरूप को पहचानने लगें। जो विस्मृति उन्हें हो गई है, देवकुल की आत्माएं हैं, सब कुछ भूल गया है, उसको पुनः जागृत करें और अपने देवत्व को पुनः प्राप्त करें। तो बहुत बड़ी स्थिति हमें बनानी है, बहुत महान कार्य हमारा आह्वान कर रहे हैं। इसलिए इन स्मृतियों के द्वारा हमारा पिता कौन है, हम कुछ गलती करेंगे तो उससे किसके नाम पर वो बात आएगी, हम महान होंगे जैसे
भगवान हमसे प्रत्यक्ष होगा, वैसे ही हम कुछ ऐसा वैसा करेंगे तो उसका नाम ही छोटा होगा। इसलिए अपने पर बहुत ध्यान दें और आगे बढ़ते रहें। ओम शांति।